कैलाश टेम्पल आपको जो लगता है कैलासा टेम्पल एलोरा का, एक्चुअली मैंने वो जो लाइव किया था अंदर जाके मंदिर में, वो रिकॉर्डिंग उसकी हुई नहीं थी। मैंने जाके अंदर एक्सप्लेन किया था, आपने पूरा कैलाश टेम्पल देखा होगा। बाहर के पिछले साइड में पूरे के पूरे भगवान शिव और माता पार्वती के ही लेफ्ट से लेके बैक तक पूरे कार्विंग से मूर्तियों की। राइट साइड में जो है वो बाद में अवतार उसकी कार्विंग है, भगवान विष्णु के जो अवतार है, वराह अवतार आपको दिखाया था, जैसे वराह अवतार, राम अवतार, मत्स्य अवतार, इन अवतारों की कार्विंग से। और अगले पोर्शन में जहाँ पे रामायण है उसके लेफ्ट साइड में, ऊपर गणपति, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, इनके कार्विंग से। यानी पूरा जो भगवान ब्रह्मा की भी कार्विंग से लेफ्ट साइड में, तो पूरे मंदिर में आपको जो मेन है त्रिदेवता और जो माँ काली, माँ माँ पहले देवी, तीन पंथ है भारत में, आप समझिए। इससे पहले एक वैष्णव पंथ है जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, एक वैष्णव पंथ है। एक सेकंड आता है शिव पंथ है, यानी जो शिव भगवान शिव की पूजा करते हैं, महाकाल की हो या बजरंगबली, हनुमान की, वो भी शिव के अंश थे, या जो भी घृष्णेश्वर हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, तो ये सब यानी शिव के स्थान हैं, घृष्णेश्वर हो, तो ये शिव पूजक है। और तीसरे जो आते हैं ना वो होते देवी पूजक। आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो, आप काली की पूजा करते हो, आप सप्तशृंगी की माता की पूजा करते हो, आप कोल्हापुर के देवी की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा करते हो, तुलजा भवानी की पूजा करते हो, तो ये जो है ना ये आते हैं देवी पूजक। तो ये तीन ही पंथ है भारत में, वैष्णव पंथीय, शिव पंथीय एंड देवी पंथीय, ये तीन ही की पूजा होती है। तो इन तीनों का जो है वो पूरा कार्विंग सबको उस मंदिर में दिखता है। मेन बात आती है वो शिवलिंग की, मेन बात आती है शिवलिंग की। आपने देखा होगा भगवान शिव भी, जहां भी आप देखेंगे भगवान शिव और सामने शिवलिंग भी का, माता पार्वती भी शिवलिंग की पूजा करती है। एक्चुअल में ये जो 11th डायमेंशन याद है, कमेंट कहां से करेंगे, मैंने ब्लॉक करके रखा है। डायमेंशन याद है, 11 डायमेंशन में सिखाया आपको, जो एक अगला डायमेंशन है जो मैंने आपको बताया नहीं है वो है बिग बैंग डायमेंशन, करूंगा एक्सप्लेन कभी। तो वो जो योनि है, यानी वो एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स का, और जो लिंग है वो एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स का, उन दोनों का जब यूनियन हुआ, जो CERN में दिखाया गया आपको, सीरीन में बिग बैंग जो किया उन्होंने, और उन्होंने गॉड पार्टिकल ढूंढ निकाला कि इस तरह से दुनिया बनी होगी। तो एक्चुअल में वो जो है ना योनि एंड लिंग, इन दोनों का यूनियन। मैं डॉक्टर हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पढ़ी होंगी साइंस के स्टूडेंट ने, कैसे होता है मेल पार्ट, मेल जेनिटल्स एंड फीमेल जेनिटल्स का जब संबंध आता है तभी तो बच्चा होता है, तो इट्स क्रिएशन। तो वो जो है ना वो शिव मंदिर, कैलाश मंदिर, ये एक्चुअली उस 12th डायमेंशन को डिवोट किया गया है। भगवान शिव जिसका ध्यान करते हैं उस क्रिएटर का, क्योंकि अनंत अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांडों के अनंत शिव है, अनंत विष्णु है, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश। नमस्कार, आज एक तेज लेट तो ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रत्येक ब्रह्मांड प्रत्येकाचे आपापले क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रक्टर ये रहते हैं। मैंने आपको बहुत कुछ दिया है ज्ञान नॉलेज जो है मेरे पास, मैंने आपको सब दिया है, जिसको लेना चाहो लो,
जिसको गालियाँ देना मेरे को वो दो, और को दोनों इसमें कोई फर्क नहीं गिरता, मेरे कर्मा में कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको आपकी कुंडलिनी एनर्जी एंड इस पर कंसल्ट करना है, आप मेल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, और ये पेड रहेगा, आपको सीधे बोल देता हूँ, जिसको जो बकबक करनी हो करो, मैं आई एम कंसल्टेंट, आई एम डॉक्टर, मैं कंसल्ट करता हूँ, हम पेशेंट को कंसल्ट करते हैं, हम कंसल्टिंग फीस लेते हैं। अब मेरी जो है नॉलेज, उसको अब मैं फिजिकल में अगर देना चाहता हूँ, मैं कंसल्ट कर रहा हूँ तो मैं कंसल्टिंग चार्ज लूँगा। आप सीए के पास जाते हो, आप कंसल्ट करते हो, चार्ज देते हो। आप एडवोकेट्स के पास जाते हो, कंसल्ट करते हो, चार्ज देते हो। अब ये एज एनर्जी लेवल पे कुंडली और इस पे हफ्ते में एक ही अपॉइंटमेंट दूंगा, और जिसको भी दूंगा उसको यहाँ पे आना होगा दो दिन को भी, क्योंकि एक दिन मुझे आपकी एनर्जी समझनी पड़ेगी, बाद में आप उसको। और मैं किसी को भी मैं शिष्य नहीं बनाने वाला हूँ, मैं पहले बोलता हूँ, मेरे गुरु से मेरे को परमिशन नहीं है। मैं आपको एज अ कंसल्टेंट बात करने वाला हूँ, गुरु बोल के मैं आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ शिष्य एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। वरना आप लोग आते हैं सर मुझे शिष्य बनाओ, मैं नहीं बना सकता, मुझे अथॉरिटी नहीं है, मैं खुद अभी शिष्य हूँ, मेरे गुरु ने मुझे परमिशन नहीं दी, मैं नहीं कर सकता। तो मेरा मेल आईडी है dr.vilasjagdale1985@gmail.com, और ये पेड़ रहेगा, मैं पहले से कहता हूँ, आपके दिमाग में जो आंकड़ा आ रहा होगा बड़ा से बड़ा सोच के रखिए, वो कंसल्टिंग चार्ज रहेगा। थ्री सिक्स नाइन पे बी प्रिपेयर्ड, और मजाक बना रखा है इन्होंने लोगों का, लोगों को खाने को दाना नहीं है, और ये आईपीएल खिला रहे हैं, ऊपर से फिल्म स्टारों के और क्रिकेटर्स का मैच लगा रहे हैं 21 तारीख को, मजाक चल रहा है, भद्दा मजाक चल रहा है। मैंने कहा ना, गाया अब नहीं रुकेगी। वो जो चक्की है ना, प्रेशर अर्थक्वेक की चक्की, वो टेक्टोनिक प्रेशर, वो इंडोनेशिया के आगे नहीं सटक रहा है, वो सुमात्रा और इंडोनेशिया के आगे अंडमान निकोबार तक भी नहीं आ रहा है, वो वही घूम रही है, वही घूम रही है। पिछले 1.5 महीने में लगभग 3,500 अर्थक्वेक हो चुके हैं 3 रिक्टर स्केल के ऊपर के उस इंडोनेशिया में। इधर वो तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के आगे नहीं जा रही है, वही घूम रही है वो चक्की। बस एक बार सटक जाए वो 90 सेकंड के लिए, इतिहास में लिखा जाएगा, डॉक्टर जगदाले ने बता के रखा था।